तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बार बार ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहिए, क्या टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस करने से हमें लॉस तो नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल चौधरीवाल और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्रिंटिंग से रिलेटेड, टी शर्ट प्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मेरे इस चैनल पर है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस करने से उन्हें लॉस तो नहीं होगा। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है, शायद ही कोई ऐसा बिजनेस होगा इस दुनिया में जिसको नहीं करना चाहिए, जिसको लोग कहें कि ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। दोस्तों कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको करना नहीं चाहिए। तो यही बिल्कुल सेम इसी तरीके से टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस में है। टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। ये सवाल ही गलत है कि क्या टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करें या नहीं करें, क्या हमें लॉस होगा इस बिजनेस को करने से। दोस्तों अगर सही मायने में बात करें तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपके हार्ड वर्क पर। आप कितना टाइम अपने बिजनेस में दे रहे हैं, कितना फोकस आपका अपने बिजनेस में है, कितनी लगन के साथ आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं, क्या दूसरों के फेलियर को देखकर आप डर तो नहीं रहे हैं। ये चीज़ें मायने रखती है बिजनेस में कि आप कितना एफर्ट दे रहे हैं, कितनी नई चीज़ें आप अपने उस बिजनेस में सीखने को तैयार हैं, मार्केट में लोगों की क्या डिमांड है, क्या वो डिमांड आप पूरी कर पा रहे हैं, लोगों को किस तरीके का डिज़ाइन टी शर्ट पर चाहिए, किस तरीके के डिज़ाइन की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है इस टाइम, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑनलाइन अगर आप सेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन कौन सा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है, आपके आस पड़ोस में कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा सेल हो रहा है, ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आप अपने बिजनेस में कवर कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं इन चीज़ों को, तो आपका बिजनेस डाउन नहीं होगा बल्कि ग्रो होगा। दोस्तों एक चीज़ और समझने की यहाँ ज़रूरी है कि एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, एक कक्षा के अंदर मान लीजिए 50 बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 50 के 50 बच्चे ही पास हो जाएंगे, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं और 3 बच्चे ही फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आते हैं। कक्षा में सभी बच्चे फर्स्ट नहीं आते, सभी बच्चे सेकंड नहीं आते, मतलब कि कुछ बच्चे फेल भी होते हैं। उनके फेल होने की वजह ये भी हो सकती है कि या तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं किया, क्या उन्हें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं वो गलत सिलेबस तो नहीं पढ़ रही, एग्ज़ाम के दिनों में उन्होंने कितनी मेहनत की, ये चीज़ें डिपेंड करती है उस बच्चे पर जो फेल हो जाता है। शायद उसके मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, उसके सीखने में कमी रही होगी, टीचर जो समझा रहा है उसको ध्यान से नहीं सुना होगा, ये कमी होती है फेल होने की उस बच्चे की। बिजनेस में भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने भी प्रिंटिंग का बिजनेस किया था, उसका बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाया, तो टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस बेकार है, नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये धारणा बिल्कुल ही गलत है, ये परसेप्शन माइंड में बिल्कुल नहीं लेकर आना हमें कि टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस मेरे साथ वाले बंदे ने किया था, वो फेल हो गया, वो उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए मैं भी टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस नहीं करूँगा या कोई और बिजनेस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे साथ वाले ने भी किया था, वो सक्सेस नहीं हो पाया। दोस्तों हो सकता है आपके दोस्त ने जिसने बिजनेस किया टी शर्ट प्रिंटिंग का, उसके अंदर वो जज्बा ना हो सीखने का, वो लगन ना हो सीखने का, मार्केट में उसने रिसर्च न की हो कि क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है,
फोकस उसका बिजनेस में ना हो। आज 4 टी शर्ट प्रिंट कर दी, कस्टमर के 10 ऑर्डर आए हुए हैं और आज 4 ही टी शर्ट प्रिंट करी है, बाकी दिन वो घूम रहा है पार्टियों में, शादियों में, यार दोस्त के साथ कहीं घूमने जा रहा है फिल्म देखने, और बिजनेस पर उसका फोकस ही नहीं है, तो ऐसा बंदा फेल होना ही होना है बिजनेस में। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या ये बिजनेस करने से लॉस होगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि दोस्तों आपको ये बिजनेस करने से लॉस किसी भी तरीके से नहीं होगा। आप इस बिजनेस में देखिए, जो मशीन है टी शर्ट प्रिंटिंग की, जो 5-in-1 मशीन है, वो मशीन सिर्फ टी शर्ट प्रिंट नहीं करती, वो मशीन बहुत सारी आइटम को प्रिंट करती है। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आप उस 5-in-1 मशीन से प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों जो टी शर्ट प्रिंटिंग की हमारी मशीन है, 5-in-1 मशीन है, जिन लोगों ने लाके अपने पास रखी हुई है, जिनका ये काम है, वो लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि टी शर्ट प्रिंटिंग की जो मशीन है वो सिर्फ टी शर्ट प्रिंट नहीं कर सकती, आप उसमें कॉफ़ी मग प्रिंट कर सकते हैं, आप उसमें कुशन के कवर प्रिंट कर सकते हैं, आप फोटो फ्रेम प्रिंट कर सकते हैं, आप कैप प्रिंट कर सकते हैं, आप मास्क प्रिंट कर सकते हैं, आप पेन, जो लिखने वाला पेन होता है उस पर प्रिंटिंग कर सकते हैं, आप डायरी प्रिंट कर सकते हैं, जो डायरी होती है जिनका कवर थोड़ा लेदर टाइप में होता है, अगर उस पर आपको कुछ छापना है, कोई ऑर्डर ऐसा आ जाता है कि हमें डायरी प्रिंट करके दीजिए, तो उसके ऊपर का कवर जो गत्ता होता है उसको प्रिंट आप इस मशीन से कर सकते हैं। आप इसी मशीन से टाइल भी प्रिंट कर सकते हैं, आप इसी मशीन से प्लेट भी प्रिंट कर सकते हैं, कितनी सारी आइटम है इस मशीन से जो प्रिंट हो सकती है। तो इस बिजनेस में कोई भी ऐसा लॉस होने वाला डर नहीं है। आप बेझिझक इस बिजनेस को करिए, सीखिए इस बिजनेस में, मार्केट में सर्च कीजिए, ऑनलाइन देखिए क्या डिज़ाइन ज़्यादा चल रहा है, किस तरीके के फ़ोटो फ्रेम मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं, किस तरीके के कैप मार्केट में ज़्यादा चल रही है, उन पर क्या प्रिंट है। अभी कोरोना टाइम था, बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल लोगों ने अपने मास्क प्रिंट कराए, तो मेरे हिसाब से इस बिज़नेस में लॉस होने वाली बात कोई भी नहीं है। आप करिए इस बिज़नेस को बिना दिक्कत के, बिना प्रॉब्लम के, सिर्फ लगन बनाए रखिए अपने अपने बिजनेस पे फोकस रखिए, आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होना ही होना है। किन लोगों को ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, यहाँ भी मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ किन लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस डिज़ाइन में सिर्फ मशीन को लेकर आने से काम नहीं चलेगा कि आपने मशीन रख दी, आपने टी शर्ट लाकर रख दी और आपने आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। दोस्तों जो डिज़ाइन आप बनाएंगे उस डिज़ाइन के लिए भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, फोटोशॉप किस तरीके से चलाते हैं, कोरल ड्रो सॉफ्टवेयर होता है डिज़ाइनिंग का, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको इस चीज़ की भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फोटोशॉप की बेसिक नॉलेज नहीं है या कोरल ड्रो की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आपको कुछ भी प्रिंट करने में, कुछ भी डिज़ाइन करने में दिक्कत हो। कस्टमर का ऑर्डर आता है कि मुझे फला डिज़ाइन जो है बनाकर दीजिए, तो आप कैसे बनाओगे? आपको डिज़ाइन आता नहीं है बनाना, सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है फोटोशॉप की या कोरल ड्रो की या और किसी टी शर्ट प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है, या लैपटॉप चलाने की, सिस्टम चलाने की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर चलाने की नॉलेज नहीं है, तो थोड़ी आपको दिक्कत होगी इस बिजनेस में। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे लोग इस बिजनेस को अभी स्टार्ट ना करें बिल्कुल भी, जिन लोगों को डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है, या सिस्टम चलाने के बारे में नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर चलाने के बारे में नॉलेज नहीं है। 1-2 महीने की आप बेसिक ट्रेनिंग कहीं भी इंस्टीट्यूट से जाकर ले लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से, फोटोशॉप या कोरल ड्रो जो आपको ईजी लगता है, इंस्टीट्यूट से बात करके जो आपके बजट में हो सीखना, बेसिक नॉलेज इस चीज़ की ले लीजिए और उसके बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँगा इस प्रॉब्लम को, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ये बिज़नेस लॉस तो नहीं करने वाला है, क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया होगा तो वो भी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा।
मेरा मोटिवेशनल चैनल भी है, उसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं जाकर। चैनल का नाम मैं आपको बता दूंगा, राहुल चौधरी वाल के नाम से चैनल है। आप वहाँ जाकर भी बिजनेस में किस तरीके से आपको सक्सेस होना है, आपको बिजनेस में किस तरीके से जो है क्या क्या आइडियाज़ आपको आपके बिजनेस में मिल सकते हैं, क्या क्या ट्रिक, क्या क्या टिप्स आपको अपने बिजनेस में मिल सकती हैं, वो भी उस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग से रिलेटेड और नया। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।